प्लान कर रही हूँ जाने का, कोई काम नहीं है मेरे से। वाओ, अब एक किसी चीज की कमी थी, छोटे हैं। ओ माय गॉड, पीपल, माय नेम इज मारिया सैफ एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मेरी बहुत ही प्यारी सी हसीन सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सैफ इधर ऑफिस भी जा चुके हैं और मैं अपना नाश्ता भी मैंने कर लिया हुआ है, विच वॉज चाय और सिर्फ आलू मैंने खाए हैं, जिसका सिर्फ ऑयल बचा हुआ है, इग्नोर दैट। चाय भी मेरी बस ऑलमोस्ट पी ली है मैंने। और अभी यू कैन नोटिस कि मैं अपने घर में नहीं बैठी हूँ, मतलब अपने वाले पोर्शन में नहीं बैठी हूँ, ये है आप ही का पोर्शन। उस पर मैं इसलिए आई हुई हूँ क्योंकि हमारे वाले पोर्शन में गैस बिल्कुल जा चुकी है। मेरा वाला सेकंड फ्लोर है और वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गैस का प्रेशर कम हो तो वहाँ आता ही नहीं है। तो खैर से अभी फिलहाल ना चूल्हा जल रहा था ना हीटर जल रहा था, और इस वक्त इस्लामाबाद में भी बहुत सारी धुंध है। मैं अभी आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। तो मैं अभी इस पोर्शन पे हीटर चला के थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए बैठी हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी। मैंने क्योंकि दो तीन दिन बाद मैं प्लान कर रही हूँ जाने का मायके, विच इज मेकिंग मी हैप्पी अभी से। तो शायद सैफ इधर भी मेरे साथ आ जाए, तो उनकी भी पैकिंग करनी है, वो शायद वाली बात है, लेकिन करनी तो है, अपनी तो जरूर करनी है ना। सो बस अभी चाय अपनी फिनिश करके लेट्स गो टू आर अपना पोर्शन और काम शाम पे लगते हैं। दिस इज हाउ द वेदर लुक्स राइट नाउ। ऐसे ऐसे अभी धुंध चली गई क्योंकि एक का टाइम हो गया है, धूप नजर आ रही है, पर ये वाली धूप इज नॉट एट ऑल धूपोइंग राइट नाउ। क्या बोला तूने? मतलब के धूप आई मीन टू से कि ये धूप इतनी ज्यादा वो वाली नहीं है कि जिसमें आपको बैठ के एंजॉय कर सको। अभी मैं सिर्फ अपने पोर्शन पे जा रही हूँ। दिस इज हाउ माई रूम लुक्स लाइक राइट नाउ। बहुत ज्यादा मैस नहीं है, चल झूठा। यूजुअली यहाँ पर एक कपड़ों का ढेर होता है जो कि आज नहीं नजर आ रहा। बेसिकली सिर्फ इसी को सॉर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले मैं ये करूँगी ताकि मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँ, और फिर उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी पैकिंग का। पैकिंग मैं अभी नहीं करने लगी हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ निकालूंगी, डिसाइड करूँगी कौन से कपड़े लेके जाने हैं, या फिर क्योंकि मैं वहाँ पर रहने वाली हूँ और अगर सैफ अदर आए भी सही तो वो जल्दी वापस आ जाएंगे, तो पीछे से उनके ऑफिस की चीज़ें और ये सब कुछ भी मुझे सेट करना है। सो मैं वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद होपफुली इतनी देर में सैफ अदर भी आ जाएंगे और फिर उनके साथ बैठ के हम खाना शाना खाएंगे। काम वाम गाइज मैंने ऊपर वाले सारे कर लिए थे जो कि थोड़े बहुत ही थे, लेकिन अब फिर से दोबारा मैं अपना बोरिया बिस्तरा सारा लेके, मतलब कि ये सब कुछ कुकिंग शुकिंग का सामान, फिर आपके पोर्शन पे आ गई हूँ क्योंकि मेरे वाले पोर्शन पे गैस आ ही नहीं रही। मुझे लगा था कि थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई वो। और बस यहाँ पे अब कुकिंग करूँगी आप ही वाली किचन में। आप ही इस वक्त घर पे नहीं है, आप ही अगर आप इस वक्त मुझे देख रही हैं, डेफिनेटली आप मुझे देख रही होंगी, आपका घर हाईजैक हो चुका है। क्योंकि मेरे लिए यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, ऊपर जाना नीचे जाना, ये सब कुछ करते हुए मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी बस हो गई है। वाह, अब एक किसी चीज की कमी थी जनाब, लाइट चली गई है। मजा आया, ग्रेट ग्रेट वेरी ग्रेट। मतलब मैं कुछ भी ना करूँ ना, पहले ऊपर गैस चली गई, नीचे आई तो यहाँ लाइट चली गई, अब मैं क्या करूँ? नाच नाच नाचो, कोई काम नहीं है मेरे से, मुझे इतने सारे काम करने हैं, मैं ना यहाँ क्या अंधेरे में कुकिंग करूँ। हम ग्लासेस वाले लोग हैं और ये इतनी बाहर भी लाइट को खास है नहीं कि मैं इसको खोलूँगी तो बाहर से लाइट आनी शुरू हो जाएगी। गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं ये खाना बना रही, आज रोज़ा रखेंगे, कोई खाना शाना कोई नहीं है, अंधेरे में तो मेरे से नहीं बनता। मस्त प्लान है। अब देखो कब आती है ये लाइट, अब वहाँ बैठ के इंस्टाग्राम देखूंगी, लाइट का वेट करूंगी। मेरे साथ आज हैंड पे हैंड पोपट पोपट होता जा रहा है। व्हाट डू आई डू नाउ? माई हस्बैंड इज फाइनली होम। मैंने लास्ट कहा था कि मैं दिखाऊंगी कि जब वो आ जाएंगे, पर खाना वाना भी खा लिया, आलू मटर फाइनली मैंने बना लिए थे। इतने सारे जो मेरे साथ ट्रॉमा हुए थे उसके बावजूद भी मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गई थी ना खाना बनाने में, और इनको मैंने खिला भी दिया। मैं खाना तो खाना खा ही लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें दोपहर में धूप में खाना चाहिए। दोपहर आज धूप थी ही नहीं, कहाँ धूप में खाते, और आप आते ही 5 बजे हो। बात तो सही है। मेरे लिए तो फिर यही टाइम बचेगा। हाँ तो फिर मेरे लिए खुद यही टाइम होता है। मैंने आज पूरा इसका मजा तो ऐसे ही आता है, धूप में खाने का मजा आता है वैसे, है ना, क्योंकि इसके साथ बॉडी जरा ठंडी हो जाती है यार धूप में खाना। वैसे हम कभी कभी खाते होते हैं ऑफिस में वहाँ पे, लेकिन आप खा सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने आज सारा वैसे व्लॉग किया है जो मेरे साथ ड्रामा हुआ है, जो मेरे पोर्शन करना, पहले गैस नहीं चली, फिर नीचे लाइट चली गई, फिर जैसे मैंने खाना स्टार्ट किया फिर लाइट चली गई, फिर नीचे भी गैस चली गई, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए खाना बनाया है। यू शुड अप्रिशिएट दिस। हाँ तो किया ना। हैं, अच्छी बीवी के यही तो फायदे होते हैं। अच्छा सिर्फ यही फायदे होते हैं? हाँ तो और क्या होता है। अच्छा वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दिस इज माय फर्स्ट किन्नू,
और अभी ये तकरीबन इसमें से मैंने दो पीस खाए हैं एंड दिस इज हिज सिक्स्थ और सेवन्थ किन्नू इन द सेम टाइम। तो मैं कहता हूँ कि इतना स्लो खाओ, मैंने कहा लेकिन इतना स्पीड से भी कोई नहीं खाता है। यू आर ईटिंग ऑन 5x यार, मेरा सिर्फ ये है कि मैंने इसको ये चीला, ये इसमें से ऐसे हाफ किया, छोटे छोटे हैं। ओ माय गॉड, और मैं पता क्या ये देखें, ये देखें, दिस इज वन पीस और इसको मैं तीन हिस्सों में खाऊंगी। इतनी देर में ही इज डन विद हिज फोर किन्नूज। खैर अभी हमारी किन्नू पार्टी होगी, पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस्लामाबाद में भाई ठंड हो गई है, और आपसे फिर मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही मिलेंगे। कोई काम धंधा आप नहीं होगा, कुछ किचन क्लोज हो गया, घर क्लोज हो गया, सब मैंने क्लोज कर दिया है और बस इन्जॉइंग माई रजाई विद किन्नूज, जो कि टाइम नहीं है, किधर गया टाइम, है नहीं किन्नुओं का, लेकिन हम खा रहे हैं।